ओके सो टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस. व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट, उसकी खसूसी इम्पॉर्टेंट के ये प्रोसेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है. सो आई टोल्ड यू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, द मेन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोजोम. वट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम. What does it mean? Each cell receive chromosome that are like in composition and equal in number to the chromosome of the parent. इसका क्या मतलब है कि हर जो daughter cell बनता है mitosis के जरिए, उसके अंदर जो chromosome की composition है या chromosome का number है वो equal होता है parent cells के. So this is a very important point of mitosis कि it maintain the chromosome composition and number in the next generation. You can see this from the diagram. Okay, yahan pe you can see the newly cell formed contain 46 chromosome, but when it start duplication by the mitosis or cellular division, its chromosome numbers are duplicated from 46 to 92. 46 se chromosome 92 ho jate hain. और एट द एंड ऑफ माइटोसिस हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं जिनकी कंपोजिशन भी सेम होती है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के जो एक सेल से दो सेल बनते हैं, नए सेल बनते हैं, तो दोनों नए सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम होता है. नंबर सेम होगा और उसके साथ साथ उसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन इट्स स्ट्रक्चर, इट्स प्रॉपर्टीज, all will be equal or same. Is it clear? Now the other important point of mitosis are development and growth. We will discuss development and growth. We will discuss cell replacement, asexual reproduction and regeneration. All these processes are done by the help of mitosis. So mitosis isliye bhi important hai कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, वो सेलुलर रिप्लेसमेंट में भी मदद करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है और रीजनरेशन में भी मदद करता है. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. व्हाट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? यू नो वेरी वेल कि एज वी बॉर्न so we are small in size, but with the passage of time we grow. Prince Arthur, please switch off your mic. So with the development we increase in number of cell or hamara size bhi increase hota. So number of cells within an organism increase by mitosis. कोई भी जानदार है, चाहे वो plant है, चाहे वो animal है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, सबकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो किसके जरिए होती है? माइटोसिस के जरिए. एंड दिस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी. दिस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम सिंगल सेल. माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से कई सारे सेल्स बनते हैं. यानी इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एक सेल जाइगोट से स्टार्ट हो रही है और एक से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, चार से आठ सेल बनते हैं, आठ से फर्दर 16 से 32 सेल, 32 से 64 एंड सो ऑन, तब तक के बच्चा एक सेल से फीटस बन जाता है और फिर उस फीटस से वो फर्दर डेवलप करता है और ग्रो करता है और बड़ा होता जाता है. और ये सारे मराहल जो हैं वो किसके जरिए तरतीब पाते हैं? माइटोसिस के जरिए. इन नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी क्लियरली द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, एनिमेटेड व्यू, के सेल इज डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय द माइटोसिस. इट इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. यू कैन सी 1 2
to 2 cell, 2 to 4, and 4 to 8, and further so on it is dividing. And in next phase you can see, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि पहले एक सेल है, एक से फिर दो हुए, दो से फिर चार सेल हुए, चार से आठ और फिर 16, और फिर इसी तरह से वो डुप्लीकेट होते जा रहे हैं और हर स्टेज में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं एक जो है उनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है. एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय द हेल्प ऑफ द माइटोसिस. Hopefully it is clear to all of you. The next significance of the mitosis is cell replacement. And in this diagram up, you can see clearly from the picture कि कैसे स्किन सेल जो हैं वो पुराने सेल जो हैं वो उतर रहे हैं और उसकी जगह नीचे नए सेल्स बने हुए हैं. तो इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लॉट ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन. तो इस प्रोसेस माइटोसिस प्रोसेस के जरिए ये होता है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस एंड सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड. जैसे जिस जगह से जोन सा सेल जो है डिग्रेड होता है, टूटता है, खत्म होता है और उसकी जगह नया सेल माइटोसिस के जरिए बनता है और वो सेम सेल बनता है. और ये इसी वजह से बनता है क्योंकि जो माइटोसिस प्रोसेस के दौरान क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन और उसका नंबर जो है वो चेंज नहीं होता. सिमिलरली रेड ब्लड सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 4 months और 120 days. सो दे आर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. हर 4 महीने के बाद हमारा जो है नए सेल्स बनते हैं और वो नए सेल्स जो हैं वो किसके जरिए बन रहे हैं, माइटोसिस के जरिए. द नेक्स्ट प्रोसेस इज रीजनरेशन. रीजनरेशन का मतलब है कि रीजनरेट करना, एक पार्ट जो है वो खत्म हो गया और उसका उसकी जगह पे नया पार्ट आ जाना. जैसे कि एक स्टार फिश है, स्टार फिश का एक बाजू टूट जाए या उसका आर्म टूट जाए तो वो उसकी जगह न्यू आर्म आ जाता है. और इसी तरह से जो लिजर्ड है, लिजर्ड की भी अगर टेल टूट जाती है तो उसकी जगह नई टेल आ जाती है. ठीक है. सो सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस. सो यू कैन सी इन दिस एग्जांपल स्टारफिश. First, you can see a full starfish. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक starfish जो है 2 halves में कट होगी. एक हाफ नीचे को जा रहा है और दूसरा हाफ ऊपर को. ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में है. तो नीचे वाले में ये जो है 2 arms आए हैं और ऊपर वाले में 3 arms आए. So what is going to happen? कि ये जो 3 arms है इसके further 2 arms दोबारा से regenerate कर गए. और यहाँ पे भी जो 2 arms है, 3 arms है, न्यू 3 arms वो दोबारा से रीजनरेट कर गए. सो दिस रीजनरेशन प्रोसेस इज डन बाय माइटोसिस. इट इज अकरिंग थ्रू द माइटोसिस. और नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि रीजनरेशन कैसे हो रही है. सी दिस इज लिजर्ड. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिजर्ड की जो टेल है वो क्या कर रही है, टूटी हुई थी और अब वो ग्रो कर रही है और रीजनरेट कर रही है. तो ये रीजनरेशन भी किसके जरिए हो रही है, माइटोसिस प्रोसेस के. होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट द फोर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस इज
asexual reproduction. What is asexual reproduction? I told you in previous lecture there are two kind of cell, somatic cell and germline cell. The somatic cells are those cells which are not able to form gametes or which are not able to reproduce or involve in sexual reproduction, while germline cell are the cells which are able to produce gametes like egg or sperm cell. तो एग और स्पर्म सेल यूनाइट होके जायगोट बनाते हैं और जायगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है. तो जो गैमेट्स के जरिए रिप्रोडक्शन होती है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जो गैमेट्स के बगैर रिप्रोडक्शन होती है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और इसको दूसरे अंदाज में इस तरह से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल और फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू इंडिविजुअल जो है एक पेरेंट से ही प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेन ऑफस्प्रिंग थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड माइटोसिस इज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, चाहे वो बाइनरी फ्यूजन है, चाहे वो बडिंग है, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, चाहे वो क्लोनिंग है, ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप जो है वो किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के जरिए. लेट सी द एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल हाइड्रा, यहाँ पे एक हाइड्रा की एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है. हाइड्रा इज अ वाटर लिविंग प्लांट है और जो कि बहुत छोटा होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ बडिंग क्या होता है. हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग. द सेल्स ऑफ सरफेस ऑफ हाइड्रा अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड बड. The cells of surface of the hydra undergoes mitosis and form a mass called bud. And mitosis continues in the cells of bud and it grows into new individuals. So this kind of reproduction is budding. You can see in this animation. Excuse me. You can see this is hydra and these are tentacles. So you can see there is a tiny bud, tiny outgrowth, which is called bud. In this diagram, you can more clearly see how is budding is occurring. So tiny outgrowth develop from the main parent cell and it grows in size by the process of mitosis. When it grow enough in size, it detach from the parent cell. So वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है. तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं. और ये किसके जरिए हो रही है? माइटोसिस के जरिए. फिर दूसरी तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट जो है, वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? प्लांट के जो रूट्स के ऊपर पार्ट है, ठीक है, प्लांट्स के जो मेन बॉडी पार्ट है जैसे लीफ है, ट्यूबर है या स्टेम है या उसके रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट, ये सारे उसके वेजिटेटिव पार्ट हैं. और ये वेजिटेटिव पार्ट्स जब डुप्लीकेट हो जाते हैं माइटोसिस के जरिए तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटैटोज, और पोटैटो से ये टाइनी आउटग्रोथ निकल रहा है, एक प्लांट निकल रहा है और ये दोबारा से नए पौधे में और नए पोटैटोज में तब्दील हो जाएगा. और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसके जरिए हो रही है? माइटोसिस के जरिए. फोर पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं रिप्रोडक्शन माइटोसिस की इम्पोर्टेंस के हवाले से. अगर आप दोबारा से क्विकली रिव्यू कर लें इन स्लाइड्स को तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं. पहला पॉइंट हमने देखा है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज डन बाय माइटोसिस. डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज डन बाय
mitosis. Second point, we have discussed cell replacement is also done by mitosis. Third point, we have discussed regeneration is done by mitosis. And fourth point, we have discussed asexual reproduction is also done by mitosis. I hope so far it is clear to you all. And if you have any question, you can ask me in the chat box or at the end of the lecture. So the next topic is, what's going here? What you can see here in this slide, cells are multiplying. Cells jo hain wo kya kar rahe hain? Multiply ho rahe hain, continuously multiply ho rahe hain. Aur un pe koi control nahi hai. यहाँ पे भी आप यही चीज देख सकते हैं कि एक सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो उसका कलर है वो स्लाइट डिफरेंट है. व्हाट डज इट मीन? कि ये सेल जो नए सेल्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये नए सेल्स जो हैं नॉर्मल नहीं है, बल्कि इबनॉर्मल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पहले सेल्स ऐसे नहीं है. और यहाँ पे भी आप देखें अगर इस स्लाइड में, तो सेल से नए सेल्स बन रहे हैं, लेकिन उनका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हाट डज इट मीन? दीज आर अबनॉर्मल सेल एंड वी कॉल देम कैंसरस सेल आल्सो. व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर? माइटोसिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेस. और उस माइटोसिस प्रोसेस में जो सेल ग्रोथ होती है, एक सेल से दो सेल या दो से चार या चार से आठ होते हैं, वो कंट्रोल में होते हैं, ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही होते हैं. लेकिन अगर हमारे सेल में कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, हमारे जीन्स में या क्रोमोसोम में या जेनेटिक मेकअप में, डीएनए में कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई तब्दीली आ जाती है, तो वो सेल जो है नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि अबनॉर्मल बन जाता है. और उस पर माइटोसिस के चेक पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं. और जब माइटोसिस के चेक पॉइंट्स खत्म होते हैं, तो यस फातिमा, सॉरी आप कंप्लीट करें, मैं आपसे पूछ लेती हूँ. सॉरी सॉरी सर. ओके, सो जब वो सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो कैंसर सेल बन जाते हैं, अबनॉर्मल सेल बन जाते हैं. उनको हम कैंसरस सेल या अबनॉर्मल सेल कहते हैं. और दिस इज द वन ऑफ द एरर ऑफ द माइटोसिस. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ माइटोसिस इज एरर इन माइटोसिस. व्हाट इज एरर इन माइटोसिस? कि सेल्स डोंट हैव चेक पॉइंट्स. अबनॉर्मल सेल्स के ऊपर चेक पॉइंट्स नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, और वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, और वो बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को, बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. ऑल सेल हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस. हम सबको क्लियरली पता है कि हर सेल के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, और क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है, और डीएनए जो है वो जीन्स पर मुश्तमिल है, और जीन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल को कंट्रोल करती है. तो अगर इस जीन में तब्दीली आती है, तो सेल का माइटोसिस भी तब्दील हो जाता है. तब्दीली क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन. समटाइम म्यूटेशन अकर इन सच अ जीन एंड सेल कंटिन्यू टू डिवाइड. म्यूटेशन आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है. तो यहां पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, डीएनए में एक अल्फाबेट्स मैंने शो किए हुए हैं कि सी ए टी सी ई, तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें सेंटर ऑफ द डायग्राम में, कि ए जो है, यहाँ पे ए जो है वो तब्दील हो जाता है किसके साथ? सी के साथ. तो अगर किसी भी डीएनए का, किसी भी जीन का एक अल्फाबेट भी, एक न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो चेंज होता है, उस चेंज की वजह से पूरा का पूरा डीएनए जो है वो तब्दील हो जाता है. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए का सारा सीक्वेंस सेम है, लेकिन नीचे वाले सीक्वेंस में सिर्फ तब्दील क्या हुआ है? ए से सी.
तो वहां पे ए से सी तब्दील होने की वजह से अमाइनो एसिड भी तब्दील हुआ है, और अमाइनो एसिड तब्दील होगा तो प्रोटीन भी तब्दील होगी, और प्रोटीन तब्दील होगी तो पूरा का पूरा सेल तब्दील हो जाएगा और सेल की फंक्शनिंग तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह से माइटोसिस में भी समटाइम म्यूटेशन, म्यूटेशन को सिंगल वर्ड में आप याद रख सकते हैं चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल और डीएनए और जीन, जीन के अंदर या डीएनए के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई तब्दीली आना, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और जब भी किसी जीन में या डीएनए में म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से सेल की माइटोसिस प्रोसेस में भी तब्दीली आती है, और उस तब्दीली की वजह से वो सेल जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता बल्कि वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करता रहता है। क्या करता है ये? इट रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल है, लेकिन अगर उसमें तब्दीली आती है, म्यूटेशन आती है, तो वो फिर अबनॉर्मल सेल में तब्दील हो जाता है, और अबनॉर्मल सेल्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर सेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर टू काइंड ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर सेल अबनॉर्मल सेल है जो कि माइटोसिस में एरर की वजह से, जो कि जीन के में एरर की वजह से होता है। और ट्यूमर सेल दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं ट्यूमर सेल? दो तरह के, एक बेनाइन ट्यूमर सेल होते हैं और दूसरे मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल होते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आर बेनाइन ट्यूमर सेल्स? सो एज लॉन्ग एज दीज ट्यूमर सेल रिमेन इन दियर ओरिजिनल लोकेशन, ये अबनॉर्मल सेल तो हैं लेकिन ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन में ही रहते हैं, किसी दूसरे पार्ट को अफेक्ट नहीं करते, दूसरे टिश्यूज को अफेक्ट नहीं करते, तो इनको हम बेनाइन ट्यूमर सेल। अगर नॉर्मल सेल अबनॉर्मल में चेंज हो रहा है और वो अपनी लोकेशन पे फर्म रहता, वहीं पे रुका रहता है और दूसरे सेल्स या टिश्यू को अफेक्ट नहीं करता, तो इस तरह के ट्यूमर सेल को हम क्या कहते हैं? बेनाइन ट्यूमर सेल। जबकि अगर सेल जो है वो दूसरे टिश्यूज को भी अफेक्ट करे, इफ द ट्यूमर सेल इफ दे इनवेड अदर टिश्यू दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर। तो अगर डिफेक्टेड सेल जो ट्यूमर सेल है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बेनाइन जो है वो माइग्रेट नहीं कर रहा, जबकि दूसरी तरफ मैलिग्नेंट जो है वो रप्चर होके अपने आप को जो है दूसरी जगहों में भी स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, तो इसको हम फिर कह देते हैं कैंसरस ट्यूमर या मैलिग्नेंट सेल, या फिर सिंपली कैंसरस सेल भी हम इसको कह देते हैं। तो दो तरह के ट्यूमर सेल होते हैं, एक तो बेनाइन सेल, बेनाइन ट्यूमर सेल, और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल। बेनाइन ट्यूमर सेल जो है वो कैंसरस नहीं है, बल्कि वो ग्रो तो करते हैं, एबनॉर्मल तो है, लेकिन वो दूसरे पार्ट्स को खराब नहीं करते मेटास्टेसिस के जरिए, मेटास्टेसिस नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है सेल दूसरे सेल्स को भी इन्वेड करते हैं, खराब करते हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है? किस तरह से अफेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन सेंड cancer cell to the other part in the body. Malignant tumor can send cancer cell to the other part in the body where new tumor can form. And this phenomena is called metastasis. एक जगह abnormality आई है, वो abnormal cell बने हैं और वो बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, जैसे diagram में आप देख सकते हैं, और ये cell जो है यहाँ से move करके दूसरे parts को भी affect कर रहे हैं, तो इस process को हम क्या कहते हैं? Metastasis. So thank you very much. This is all about today's topic. You can ask me if you have any confusion or queries. You can ask me your questions. Diya Shafiq ne pucha hai ki kya tumor cell bhi reproduce karte hain? Yes, tumor cell bhi reproduce karte hain. लेकिन ट्यूमर सेल में और नॉर्मल सेल में ये फर्क है कि नॉर्मल सेल एक स्पेसिफिक टाइम तक, नॉर्मल ग्रोथ तक ही रिप्रोड्यूस करते हैं,
लेकिन ट्यूमर सेल जो है अनकंट्रोलेबली ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और इसलिए ये बॉडी के लिए और उस पार्ट के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इज इट क्लियर दिया शफीक?